हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विद। दोस्तों, अगर इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से YouTube चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। विद, जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रिद्धेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रिद्धेश देशमुख। ओके, सैन स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रिद्धेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है, इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया यादव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जयदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ईएक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एज अ डिनकर जयदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी, निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे।
कनावल, पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे, रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे, सिद्धार्था जधव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे इस मूवी में, ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे, सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हैं, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इख्तियारी तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शेरवानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शेरवानी की तनख्वाह पर इंहसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शौहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस बम्बई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शेरवानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और ताम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शेरवानी शौहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, तजरबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। ताम शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाते हैं। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, इसे 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकवी ने विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकर्णी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जाबंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। वही विद की पास अच्छी चीज़ें हैं
जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और कीर्तिश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है, वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुड बोले ने असेंबली सिनेमाग्राफी मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इस्तंबल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विदेक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है, जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी। अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है, तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, सर स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, यानी कि 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर
इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया यादव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गनीला देशमुख एज अ शर्वानी जयदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कटकार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारूफ एज अ डिनकर जयदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाटे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जधाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शर्वानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शर्वानी की तनख्वाह पर इंतजार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शौहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीब के लिए वापस बम्बई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शर्वानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शर्वानी शौहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, तजरबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शर्वानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शर्वानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शर्वानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने
जाता है तो कहता है कि इस तो बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर खत्म करते हुए गले लगाते। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्मों में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को YouTube की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। शुभम कलकर्णी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और वो इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुड बोले ने असेंबली सिनेमाग्राफी मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गुड बोले ने राय दी ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इसम्बल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है इसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ
रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है, इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे, गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी, जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगे, अशोक सारोफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दि शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे, खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे, संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे, कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे, रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे, सिद्धार्थ जदाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे इस मूवी में, ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे, सलमान खान इन गेस्ट अपेयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बंबई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं, ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरअसल सत्या की पड़ोसी शर्वानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शर्वानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शर्वानी की तनख्वाह पर इन्हसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है।
जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस मुंबई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शर्वानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शर्वानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, अजनबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शर्वानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शर्वानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शर्वानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शर्वानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाते हैं। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चुनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकर्णी ने वित का ट्वीज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमा घर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकर्णी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी कि डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है, वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोग सत्ता के लिए लिखते हुए सो हम गुड बोले ने असम्बली ने मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इसम्बल सिनेमेटोग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है इसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे
जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, सैन स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई। इसने बॉक्स ऑफिस 35-36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाटे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी, निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जधाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए
वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। तहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी जलीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी, जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शेरवानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शेरवानी की तनख्वाह पर इन्हिसार करता है, जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वाले से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीब के लिए वापस मुंबई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शेरवानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शेरवानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, तजरबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाते। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले जनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्मों में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था, इसे 30 दिसंबर 2022 को YouTube की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने वित का क्विज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था, उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकरी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इन में एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है, वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोग सत्ता के लिए लिखते हुए सो हम गुड बोले ने असम्बली सिनेमाग्राफ ने मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन
पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इस्तांबुल सिनेमेटोग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी कि ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत भी एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी। अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रिद्देश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमेटोग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रिद्देश देशमुख। ओके सर स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रिद्देश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है। बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से। प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है। स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा अशोक सारोफ जिया शंकर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है। इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी। बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35-36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया यादव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जयदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एज अ डिनकर जयदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी
निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन, कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जधव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख, जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और अख्तियार तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी, जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शेरवानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शेरवानी की तनख्वाह पर इन्हसार करता है, जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस बम्बई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शेरवानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शेरवानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, तजरबियों की तरह जिससे वो एतफा करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करते हैं। तब शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाती है। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्मों में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकर्णी ने
विथ का क्विज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। शुभम कलकर्णी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और वो इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और कीर्तिश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुड बोले ने असेंबली सिनेमाग्राफी मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इसम्बल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत। विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी। अगर मैं आप के एक औसत दर्जे के सेनगोइज है तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीलिया डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं।
रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, यानी कि 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कटकार एंड स्टिया ईएक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारूफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाटे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्थ जदाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बंबई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरअसल सत्या की पड़ोसी शर्वानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शर्वानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शर्वानी की तनख्वाह पर इंहसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शौहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस बम्बई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शर्वानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और ताम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शर्वानी शौहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, अजनबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को
शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाते। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने वित का ट्वीट 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमा घर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकरी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सो हम गुड बोले ने असम्बली ने मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इसम्बल सिनेमेटोग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत। विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है, जैसे के ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी। अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है, तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को
35.70 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, सर स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला टी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला टी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है, इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे, गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी, जिया शंकर एज अ निशा कटकार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी, अशोक सारोफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे, खुशी हिजरी एज अ खुशी, निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे, विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे, संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे, कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे, रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे, सिद्धार्था जदाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे, इस मूवी में ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे, सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शर्वानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है।
जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शर्वानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शर्वानी की तनख्वाह पर इंतजार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुतिब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वाले से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीब के लिए वापस मुंबई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शर्वानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और ताम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शर्वानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, अजनबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शर्वानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करते हैं। ताम शर्वानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शर्वानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शर्वानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाती है। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्मों में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को YouTube की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने वित का ट्वीज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकरी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुडबोले ने असेंबली सिनेमाग्राफी मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गुडबोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुडबोले ने इसम्बल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गुडबोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत। विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है
जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है, जैसे के खत्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के खत्म करते हुए भांगे ने राय दी। अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है, तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रिद्देश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनिला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रिद्देश देशमुख। ओके, सैन स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही है गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एजा सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गनीला देशमुख एजा शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एजा निशा कक्कार एंड स्टिया ईएक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एजा डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एजा मिर्ली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एजा भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एजा जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एजा खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एजा कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एजा रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एजा इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एजा कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एजा संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था
जाधव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे इस मूवी में, ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बंबई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शेरवानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शेरवानी की तनख्वाह पर इन्हसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस बंबई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शेरवानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और ताम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शेरवानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, तजरबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। ताम शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाती है। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने वित का ट्वीट 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। शुभम कलकरी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। वित की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर
ने गांव और कीर्तिश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कंपनी ने राय दी कि डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है, वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कुलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुड बोले ने असेंबली सिनेमाग्राफी मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इस्तंबल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है, जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विद्या के बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है, जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी, अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं जो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है, तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव
स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शनकर एज अ निशा कटकार एंड स्टिया ईएक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सौरव एज अ डिनकर जयदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिर्ली सिद्धि शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जधव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। तहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है तभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी जलीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शेरवानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शेरवानी की तनख्वाह पर इन्हिसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है। इसे निशा के वालिद से मालूम होता है कि निशा और इनके शौहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस बम्बई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शेरवानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शेरवानी शौहर और बीवी की तरह काम ना किया करें तजरबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शेरवानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शेरवानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शेरवानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शेरवानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाती है।
दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख बम्बई फिल्म कंपनी के बैनर तले चुनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनलीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को यूट्यूब की तरफ से भी इसको हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकर्णी ने वित का क्विज 24 नवंबर 2022 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकर्णी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुड बोले ने असेंबली ने मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोड बोले ने इसम्बल सिनेमाटोग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोड बोले ने राय दी, ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत। विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी, अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं जो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ, एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की है। इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनीला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है। बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है, बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से।
प्रोड्यूस्ड बाय गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाय रितेश दशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीला डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाय जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाय अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है, इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाटे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जधाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे। इस मूवी में रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपेयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बम्बई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इख्तियारी तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ताहम वो बाद में निशा के वालिदैन और इन हालात की वजह से अलग हो जाते हैं जो इन्हें परेशान करते हैं। निशा जुस्तिया के पास वापस आने का वादा करती है, कभी वापस नहीं आती। सत्या अफसुदा हालत में पड़ जाता है, शराब की तरफ मुतवज्जे होता है और क्रिकेटर के अपने ख्वाब को दूर करता है। दरियसना सत्या की पड़ोसी शेरवानी चिल्लीना डेसोजा को सत्या से मोहब्बत हो गई थी जिससे वो बेखबर है। जब इसे नशा के लिए सत्या की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो इससे खुद को दूर करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके और इसके वालिद के दर्द को महसूस करने के बाद चंद साल बाद इस शादी कर लेती है। सत्या अपने वालिद के दबाव की वजह से शर्वानी से शादी करता है और निशा के साथ अपनी यादें ताज़ा करने के बजाय कोई काम नहीं करता। वो शराब खरीदने के लिए शर्वानी की तनख्वाह पर इन्हसार करता है जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करती है। जब सत्या नौजवानों की टीम के लिए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को मुंतखब करने में मदद के लिए दिल्ली जाता है तो वो इसका सामना निशा की बेटी खुशी हजारे से होता है।
इसे निशा के वाले से मालूम होता है कि निशा और इनके शोहर कनाल की एक हादसे में मौत हो गई और वो खुशी को अपने साथ क्रिकेट की तकरीर के लिए वापस मुंबई ले जाने पर राजी है। लिहाजा सत्या और शर्वानी खुशी को अपने फैसला करते हैं और तमाम खुशी का कहना है कि वो तब ही राजी होंगे जब सत्या और शर्वानी शोहर और बीवी की तरह काम ना किया करें, अजनबियों की तरह जिससे वो एतफाक करते। इस वक्त के दौरान सत्या को शर्वानी की इसके लिए मोहब्बत का एहसास होता है और वो एक नई शुरुआत के लिए अपने माजी को छोड़ने का फैसला करता है। तमाम शर्वानी का ख्याल है कि वो सिर्फ इसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लिहाजा वो सत्या को पीछे छोड़ते हुए नागपुर में मुलाजमत की मुंतकली का फैसला करती है। जब सत्या शर्वानी को रेलवे स्टेशन पर उतारने जाता है तो कहता है कि बताता है कि वो इससे प्यार करता है। फिर शर्वानी ने ठहरने का फैसला किया और वो मोहब्बत की तरफ सत्या का सफर ख़त्म करते हुए गले लगाती है। दिसंबर 2021 किया गया कि रितेश देशमुख मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले चिनीला देशमुख की जाने वाली फिल्म में अपनी हिदायतकारी का आगाज करेंगे। ये फिल्म मराठी फिल्मों में भी इनकी पहली शुरुआत है। 2 फरवरी 2022 को जनीला देशमुख ने फिल्म के सेट से वीडियो शेयर की। विद का ट्यूज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। 30 दिसंबर 2022 को YouTube की तरफ से भी इसको डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। शुभम कलकरी ने वित का ट्वीज 24 नवंबर 2022 को YouTube पर रिलीज किया गया था। उसे 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज किया गया था। शुभम कलकरी ने को हेमोई के लिए फिल्म का जायजा लेते हुए इसे 2.5 सितारों के साथ दर्जा बंदी किया और बयानिया तहरीर की पेशन गोई पर तनकीद की। विद की पास अच्छी चीज़ें हैं जो पेशन गोई के साथ जुड़ी हुई है और इससे वाइब ख़त्म हो जाती है। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गांव और रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुमकिन। कलकर्णी ने राय दी के डेब्यू करने वाले डायरेक्टर ने गानों को अच्छी तरह से शूट किया है। वो मौसीकी कहानी और परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। कलकर्णी ने महसूस किया कि रितेश देशमुख इनमें एक हिदायतकार है लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रांड है। लोक सत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गुडबोले ने असेंबली मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा कि फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोडबोले ने राय दी ये फिल्म यकीनी लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोडबोले ने असेंबल सिनेमाटोग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अख्तर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाटोग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोडबोले ने राय दी कि ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विद एक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे कि ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। विद जिसे जुनून भी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ एक 2022 की हिंदुस्तानी मराठी जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रितेश मुख ने की।
इसकी हिदायतकारी की पहली फिल्म है और इनकी अहलिया जिनिला डी सूजा ने प्रोड्यूस की। मरकजी किरदार में जोड़े को अशोक सराफ और जिया शंकर अहम किरदारों में मावन कर रहे हैं। ये 2019 की तेलुगु जबान की फिल्म माजेली का रिमेक है। विद को थिएटर में 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। नाकदीन ने आमतौर पर सिनेमाग्राफी और मौसीकी की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर 9 जनवरी 2023 को 35.77 करोड़ के साथ ये 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रितेश देशमुख। ओके, सर स्क्रीन प्ले जिसने किया है उनका नाम है रुकेश थोरी एंड संदीप पाथेल। इसके साथ रितेश देशमुख ने इनका साथ दिया है। और स्ट्रोव बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से है, बेस्ड ऑन मिलीली की तरफ से है, बाई शिवा निर्वाणा की तरफ से, प्रोड्यूस्ड बाई गिनीला डी सोजा की तरफ से है, स्टेरिंग बाई रितेश देशमुख एंड इसके साथ दे रही हैं गिनीलिया डी सोजा, अशोक सारोफ, जिया शंकर। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी इस फिल्म को जिसने दी है उनका नाम है मुशक्कर कुमार जैन। एडिट बाई जिसने एडिट किया है उनका नाम है चंदन अरोरा। म्यूजिक बाई अजय अतोल एंड प्रोडक्शन कंपनी बम्बई फिल्म कंपनी की तरफ से दिया गया है। इसको रिलीज किया गया, इस पर आप जाकर ये मूवी देख सकते हैं। रिलीज इसकी डेट है 30 दिसंबर 2022। रनिंग टाइम इसका 148 मिनट का है, इनके 2.5 घंटे की मूवी है। भारत में इसको इस मूवी को शूट किया गया और इसको जो इस चीज़ की जो जबान थी वो मराठी जबान थी, बाद में फिर मुख्य जबानों में इसको डब किया गया। इस फिल्म को जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है। इसने बॉक्स ऑफिस 35 से 36 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख एज अ सितिया जदव फार्मर क्रिकेटर के रोल में आपको नजर आएंगे। गिनीला देशमुख एज अ शर्वानी जदेव स्टेज वाइफ के रोल में आपको नजर आएंगी। जिया शंकर एज अ निशा कक्कार एंड स्टिया ई एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में आपको नजर आएंगी। अशोक सारोफ एज अ डिनकर जदेव एंड स्टिया फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। विदखार जोश एज अ मिरली शिद्दी शर्वानी फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। रणवीर कांडी एज अ भास्कर आना के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके बाद है शुभानकर तवाडे एज अ जोटे के रोल में आपको नजर आएंगे। खुशी हिजरी एज अ खुशी निशा डॉटर एंड स्टे अडोप्ट डॉटर के रोल में आपको नजर आएंगे। विनीत शर्मा एज अ कैप्टन कुमार कतकर निशा फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। पूजा सुरेत एज अ रेलवे ऑफिस कॉलेज के रोल में आपको नजर आएंगे। संडे एज अ इंस्पेक्टर सोनोवी के रोल में आपको नजर आएंगे। कनावल पवार एज अ कनावल ब्राइट ब्रदर के रोल में आपको नजर आएंगे। रितेश जोशी एज अ संदीप पाटिल शनवानी बोस के रोल में आपको नजर आएंगे। सिद्धार्था जदाव एज अ सुरेश के रोल में आपको नजर आएंगे इस मूवी में, ये रोल आपको करते नजर आएंगे। इसके साथ जितेंद्रा जोशी एज अ रमेश के रोल में आपको नजर आएंगे। सलमान खान इन अ गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि सत्या जादू रितेश देशमुख जो बंबई में अपने वालिद धनकर जादू अशोक सराफ के साथ रहते हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाहिशमंद हैं और इब्तदाई तौर पर मकामी रेलवे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना चाहते हैं। क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए पैसे हासिल करने की कोशिश करते हुए वो निशा जिया शंकर से मिल जाता है और कुछ गलत फहमियों के बाद वो करीब हो जाते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं।
تاہم وہ بعد میں نشا کے والدین اور ان حالات کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں جو انہیں پریشان کرتے ہیں۔ نشا جستیا کے پاس واپس آنے کا وعدہ کرتی ہے، کبھی واپس نہیں آتی۔ ستیا افسودہ حالت میں پڑ جاتا ہے، شراب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کرکٹر کے اپنے خواب کو دور کرتا ہے۔ دریسنا ستیا کی پڑوسی شروانی چلینا ڈیسوزا کو ستیا سے محبت ہو گئی تھی، جس سے وہ بے خبر ہے۔ جب اسے نشہ کے لیے ستیا کی محبت کا علم ہوا تو وہ اس سے خود کو دور کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کے اور اس کے والد کے درد کو محسوس کرنے کے بعد چند سال بعد اس شادی کر لیتی ہے۔ ستیا اپنے والد کے دباؤ کی وجہ سے شروانی سے شادی کرتا ہے اور نشا کے ساتھ اپنی یادیں تازہ کرنے کے بجائے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ شراب خریدنے کے لیے شروانی کی تنخواہ پر انحصار کرتا ہے جو ہندوستانی ریلوے میں کام کرتی ہے۔ جب ستیا نوجوانوں کی ٹیم کے لیے کرکٹ کے کچھ کھلاڑیوں کو منتخب کرنے میں مدد کے لیے دہلی جاتا ہے تو وہ اس کا سامنا نشا کی بیٹی خوشی ہزارے سے ہوتا ہے۔ اسے نشا کے والد سے معلوم ہوتا ہے کہ نشا اور ان کے شوہر کنال کی ایک حادثے میں موت ہو گئی اور وہ خوشی کو اپنے ساتھ کرکٹ کی تقریب کے لیے واپس بمبئی لے جانے پر راضی ہے۔ لہٰذا ستیا اور شروانی خوشی کو اپنے فیصلہ کرتے ہیں اور تام خوشی کا کہنا ہے کہ وہ تب ہی راضی ہوں گے جب ستیا اور شروانی شوہر اور بیوی کی طرح کام نہ کیا کرے، اجنبیوں کی طرح جس سے وہ اتفاق کرتے۔ اس وقت کے دوران ستیا کو شروانی کی اس کے لیے محبت کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایک نئی شروعات کے لیے اپنے ماضی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم شروانی کا خیال ہے کہ وہ صرف اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، لہذا وہ ستیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ناگپور میں ملازمت کی منتقلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب ستیا شروانی کو ریلوے اسٹیشن پر اتارنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بتاتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ پھر شروانی نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور وہ محبت کی طرف ستیا کا سفر ختم کرتے ہوئے گلے لگاتے ہیں۔ دسمبر 2021 کیا گیا کہ رتیش دیشمکھ بمبئی فلم کمپنی کے بینر تلے چنیلا دیشمکھ کی جانے والی فلم میں اپنی ہدایت کاری کا آغاز کریں گے۔ یہ فلم مراٹھی فلم میں بھی ان کی پہلی شروعات ہے۔ 2 فروری 2022 کو جنیلا دیشمکھ نے فلم کے سیٹ سے ویڈیو شیئر کی۔ ود کا ٹیوز 24 نومبر 2022 کو یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا تھا، 30 دسمبر 2022 کو یوٹیوب کی طرف سے بھی اس کو ہٹا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ شوبھم کلکرنی نے ویت کا ٹویز 24 نومبر 2022 کو یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا تھا، اسے 30 دسمبر 2022 کو سینما گھر میں ریلیز کیا گیا تھا۔ شوبھم کلکرنی نے کو ہیموئی کے لیے فلم کا جائزہ لیتے ہوئے اسے 2.5 ستاروں کے ساتھ درجہ بندی کیا اور بیانیہ تحریر کی پیشن گوئی پر تنقید کی۔ ود کی پاس اچھی چیزیں ہیں جو پیشن گوئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ اس سے وائب ختم ہو جاتی ہے۔ کلکرنی نے رائے دی کہ ڈیبیو کرنے والے ڈائریکٹر نے گاؤں اور رتیش دیشمکھ ان میں ایک ہدایت کار ہے، لیکن وہ ابھی تک ممکن۔ کلکرنی نے رائے دی کہ ڈیبیو کرنے والے ڈائریکٹر نے گانوں کو اچھی طرح سے شوٹ کیا ہے، وہ موسیقی کہانی اور پرفارمنس کو بہت اچھی طرح سے ملا دیتا ہے۔ کلکرنی نے محسوس کیا کہ رتیش دیشمکھ ان میں ایک ہدایت کار ہے، لیکن وہ ابھی تک مکمل طور پر برانڈ ہے۔ لوک ستا کے لیے لکھتے ہوئے سوہم گڈ بولے نے اسمبلی سینماگرافی موسیقی کی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ فلم کے بہترین پہلو اجے اختر کی موسیقی کے ساتھ مل کر سینماگرافی ہے جو فلم کو مزید بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اختتام پر گوڈ بولے نے رائے دی، یہ فلم یقینی
लोकसत्ता के लिए लिखते हुए सोहम गोडबोले ने संबल सिनेमाग्राफी और मौसीकी की अदाकारी की तारीफ करते हुए लिखा, फिल्म के बेहतरीन पहलू अजय अकबर की मौसीकी के साथ मिलकर सिनेमाग्राफी है जो फिल्म को मजीद बुलंदियों तक ले जाती है। इख्तिताम पर गोडबोले ने राय दी कि ये फिल्म यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक दावत है जो मोहब्बत में दीवाने हैं और जो दीवाने मोहब्बत विदेक बेहतरीन रोमानवी ड्रामा है जिसे जमालियाती अंदाज में शूट किया गया है। भाना गे ने मौसीकी की तारीफ करते हुए लिखा, अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भागने अजय अतवल की मौसीकी अच्छी है जैसे के ख़त्म करते हुए भांगे ने राय दी, अगर मैं आप एक औसत दर्जे के सेनगोइज हैं तो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के विद के इर्द गिर्द की चहमगियाँ क्या है तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो सकती है।